नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे मैं हूं आपका मेंटोर शिवांश भासी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करी थी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या हो सकता है तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि आज थर्सडे की एक्सपायरी थी वीकली एक्सपायरी थी एंड मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा था पहले ऊपर खोला उसके बाद नीचे गया एंड उसके बाद दोबारा ऊपर गया तो यानी कि इस कंसेप्ट से हमें एक चीज़ पता चल गई कि मार्केट एक रेंज बाउंड थी ठीक है तो रेंज बाउंड मार्केट पे कैसे ट्रेड करना है क्या रेंज बाउंड मार्केट से ब्रेकआउट आ चुका है पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कल हमें फ्राइडे को कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ सो so गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी आ रहे थे कि सर आप एक ग्रो ऐप के बारे में भी हमें बताइए तो ग्रो ऐप की वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दी है डेफ़िनेटली तीन चार दिन के अंदर अंदर मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा एंड और भी नए कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ विद इन अ वीक फॉरेक्स की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसके बाद हम लोग क्रिप्टो की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं तो इट्स मेनी मोर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइज क्योंकि वहां पर मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर भी मैं ढेर सारी वीडियोज़ वहां पर बनाने वाला हूँ तो आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक दैट इज एडल वाइज फाइनेंशियल सर्विस एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि शार्प अपमूव शार्प अपमूव आने के बाद व्हाट वी सीन कि एक रेंज के अंदर ये चला गया ठीक है एक रेंज के अंदर चला गया और अब आप, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट एक ब्रेकआउट लेवल पे है और आप देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम इज़ फोर आवर सो यानी कि एक कैंडल फोर आवर फोर आवर्स की है ना कि डेली कैंडल है तो इस बात से कंफ्यूज मत होएगा आज बहुत अच्छी इसने अप मूव दी है अगर ब्रेकआउट आता है ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्सटी के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है अगर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन और बना के दिखाता हूँ तो हमें एक पैटर्न के बारे में पता चलेगा जस्ट वेट अ सेकेंड एंड लेट मी शो यू सी सो एक पैटर्न के बारे में पता चल रहा है दैट इज शोल्डर पैटर्न लेट मी ड्रॉ यू यू एंड टेल आप देख सकते हैं बहुत क्लियर वे में हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ड्रॉ होते हुए दिख रहा है एंड आई थिंक यहां से एक अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छे लेवल से ऊपर जा सकता है सो so 70 के ऊपर बाय करिएगा एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप लोगों को यहां पर शो कर जाएंगे ठीक है मेरे पास बहुत बार मैसेजेस में आ रहा था कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर आप बाय लेवल एंट्री लेवल टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक जगह लिख कर हमें बताया करिए सो डोंट वरी इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को अब शो कर जाएगा एंड आप डेफिनेटली उसे फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा गाइस कि ये जो भी मैं वीडियोज आपके सामने अपलोड करता हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से एक समझाने के तरीके से कि मार्केट पे इस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड करा जाता है तो आप इसी तरीके से ट्रेड करिएगा इसी तरीके से फाइंड करिएगा एंड अपने रिस्क पे ट्रेड लीजिएगा किरलॉस्कर या किर्लॉस्कर दो हैं दैट इज ऑयल एंड ब्रदर मैं दोनों रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को तो लेट मी शो यू सबसे पहले किरलॉस्कर ऑयल आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था क्लियरली यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक शार्व अपमूव उसके बाद एक रेंज बाउंड के अंदर एक ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद रीटेस्ट करा एंड रीटेस्ट करने के बाद एक शार्प अप मूव आज के दिन हमें दोबारा देखने को मिली है सो यस आई थिंक इसके ऊपर भी जा सकता है मतलब रीटेस्ट करा एक कंफर्मेशन मिल गया बिकॉज देख सकते हैं दिस इज रेजिस्टेंस दिस इज रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बनकर वो ऊपर जा रहा है तो आई थिंक वो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है टारगेट लेवल्स एंट्री पॉइंट्स स्टॉप लॉस सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी आपको इधर नेक्स्ट टॉक इज किर्लॉस्कर ब्रदर लेटमी शो यू दैट ऑल्सो या किर्लॉस्कर ब्रदर में सेम टाइप ऑफ सीनारी देख सकते हैं एक बुलेश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना इट गेव अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया नीचे आया रीटेस्ट करा अपनी ट्रेंड लाइन को एंड दोबारा आज के दिन ऊपर गया है सो so डेफिनेटली यहां पर भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि रिजिस्टेंस को सपोर्ट बना के यानी कि रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से और ऊपर जा सकता है एंड हायर लेवल्स दिखा सकता है अ नेक्स्ट स्टॉक इज ब्रिटानिया ये सारे स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बताए गए थे तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं ट्रेडिंग सेटअप लाइव मार्केट के अंदर डेफिनेटली डेली पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा एंड वहाँ पर आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं लेट्स गो टू ब्रिटानिया ब्रिटानिया पे अगर मैं आप लोगों को क्लियरली पिक्चर दिखाता हूँ सो तो आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर ये काम कर रहा था सिमेट्रिकल ट्राइंगल के ब्रेक देने के बाद जस्ट सी जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था जो प्रीवियस डिमांड जोन था एग्जैक्ट डिमांड जोन को इसने टेस्ट करा एंड इट गेव अ बाउंस बैक और दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया ठीक है सो so एक अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट थर्टी फोर सिक्स एट अगर ये सेवेंटी फाइव के ऊपर जाता है बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है सो इस स्टॉक को भी आप डेफिनेटली वॉच करके चल सकते हैं या आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट दे सकती है अ अल्ड स्टॉक इज एडिलवाइस ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आज बाय करा है डेफिनेटली एंड uh, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सॉरी नॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ब्रिटानिया किरलॉस्कर ब्रदर जो मैंने सेटअप्स आपको सेंड करे थे वो मैंने बाय करे थे तो उसी के बेसिस पे मैंने वो बाय करा था नॉट दिस मैं ये बाय करने वाला हूँ आप देख सकते हैं कि एक शार्प अपमूव आई शार्प अपमूव आने के बाद वॉट वी सीन कि एक फिफ्टी का हमें रिट्रेसमेंट लेवल मिला एट दिस प्राइस लेट मी शो यू ठीक है जस्ट वेट अ या आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिक्सटी वन परसेंट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लेवल मिला जो कि अभी क्लियरली शो नहीं कर रहा बट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है एक फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट के अंदर एक बुलिश और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है ऑलमोस्ट सेवेंटी के ऊपर ये चले जाता है सो आई थिंक ये सेवेंटी सिक्स सेवेंटी एट तक भी जा सकता है और अच्छे रिटर्न दे सकता है इस स्टॉक तो को भी मत भूलेगा मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छे रिटर्न ये भी दे सकता है चलिए स्टॉक्स की बात तो हम लोगों ने कर ली मार्केट की बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी चेक करते हैं देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करा सबसे पहले चेक करते हैं क्लियर so पिक्चर है इट गेव अ ब्रेकआउट दिया था ऑन फोर्थ ऑफ फिफ को उसके बाद हम लोगों ने वट वी सीन एक गैप डाउन देखा एक अप देखा था इस गैप को आज फिल करा गया है ठीक है हम लोगों ने देखा दैट इज द रेजिस्टेंस लेट मी शो यू देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था दोबारा नीचे आया एग्जैक्ट इस लेवल से एक बाइंग आई तो दैट इज ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा है ठीक है बहुत क्लियरली समझा रहा हूं देखिए इस लेवल पे ओपन हुआ इस लेवल से ऊपर गया तो ये एक सपोर्ट हुआ एग्जैक्ट इधर साइड भी सपोर्ट लिया दोबारा ऊपर गया तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो दोबारा रेजिस्टेंस मिला फिर नीचे आया जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वही सेम सपोर्ट का काम कर रहा उसके बाद यहां से बाउंस एंड अगेन एक रेजिस्टेंस तो यानी कि ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा है बट अब एक चीज अब देखेगा जब ये नीचे आया तो अब ऊपर गया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया पहले क्या कर रहा था एग्जैक्ट टॉप तक जा रहा था ठीक है अब यहां पर पहुंच ही नहीं पाया उसके बाद दोबारा नीचे आया अपने थोड़े बहुत लेवल्स को ब्रेक करने की भी कोशिश करी थी इसने फिर ऊपर गया और इसके ऊपर भी ये जा नहीं पाया ठीक है अब हल्के हल्के ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है अगर ये इसके नीचे चले जाता है और एक कैंडल क्लोज कर जाती है तो डेफिनेटली यहां से मार्केट गिर सकती है और ये जो पॉइंट बना रहा है दैट इज वीक एंड इंपॉर्टेंट वीक एंड इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ ऊपर जाने में इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आप देख रहे हैं और नीचे बार बार आ रहा है हर कैंडल नीचे जाने की कोशिश कर रही है सो so अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है और एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो बैंक निफ्टी को वॉच जरूर करिएगा अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हमारे लिए बाय बनेगा अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो एक सेल बन सकता है लेट्स गो टू निफ्टी निफ्टी पे एक बुलिश फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी सीन इज अ फॉल फिर एक पुल बैक अगेन एक फॉल उसके बाद एक डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर गया एंड अपने प्रीवियस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया तो जो ये लेवल देख सकते हैं रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है यही सेम चीज आप देख सकते हैं उसके बाद सपोर्ट का एक्ट कर रही है ठीक है अब एक ट्रेंड एक रेंज बाउंड एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। सो आई थिंक यहां से अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है निफ्टी बट अगर इस रेंज को तोड़ता है दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन के नीचे कैंडल क्लोज करती है सो so हम लोग यहां पर भी शॉर्ट करके चल सकते हैं इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना ओके okay? सो लेट्स सी कि मार्केट कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है कल मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है अगर आप लोग बिगनर हैं अगर आप लोग मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेड करना तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को रिमेंबर करने पड़ेंगे एंड इसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है सो so मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शिवाश बसीन साइनिंग ऑफ